हे गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैलेट नाइफ्स के बारे में। आपको कौन सा पैलेट नाइफ यूज़ करना चाहिए, किस काम के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो सभी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट और बात करते हैं पैलेट नाइफ्स के बारे में। दोस्तों, पैलेट नाइफ्स आजकल बहुत सारी शेप्स और साइजेस में आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी शेप्स में यहाँ पर अवेलेबल हैं, बट इतने ज़्यादा दोस्तों आपको नीड नहीं है लेने की। जो बेसिक आपको चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेन दोस्तों सबको आप सबसे ज़्यादा ज़रूर जिसकी पड़ती है वो एक छोटे वाला, इससे आप कलर मिक्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और जो सबसे ज़्यादा मतलब लाइक मल्टीपर्पज़ नाइफ़ है वो है ये वाला। अगर आप लैंडस्केप या फिर पेंटिंग करते हैं, एक्रेलिक में भी अगर आप करते हैं तो भी ये दोस्तों आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक आप इससे लाइन भी डाल सकते हैं, आप इससे माउंटेंस, तो खैर बोबरोज़ की वीडियोज़ आप देखते ही होंगे तो माउंटेंस तो आप इससे बना ही सकते हैं। प्लस दोस्तों इससे आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक इससे आप स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं और ये हैंडलिंग में भी इजी है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लोकल कोई आप ये ना लें क्योंकि ये काफ़ी लंबा होता है हाइट में, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, तभी आपका अच्छे से काम हो पाएगा। अदरवाइज़ क्योंकि ये सीधा है तो आप इस तरीके से अगर माउंटेंस बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपका ये बेंड होना चाहिए अच्छे से, तभी आप इससे यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो वो सिर्फ बेंड नहीं होगा अच्छे से, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो वो सिर्फ उसको स्क्रैप करेगा पेंट को, वहाँ पर लगा नहीं पाएगा पेंट को। तो ये दोस्तों इसका फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप ये एक चीज़ देख पाएंगे, जो भी यहाँ पर ये वुडन वाले हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि ये थोड़े महंगे हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं। दोस्तों जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है पैलेट नाइफ वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए उसके साथ साथ। अब यहाँ पर आप अगर ये वाले देखें तो ये वाले दोस्तों ज़्यादा इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं, ये थोड़े स्टिफ हैं, तो इनको आप मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी दोस्तों देखते हैं कि आपको कौन कौन से मेन चाहिए। तो मिक्सिंग के लिए दोस्तों आपको एक चाहिए, और ये वाला दोस्तों आप लूज़ ले सकते हैं, ये वाला सेट में आई गेस नहीं मिलेगा आपको ऑनलाइन भी। और इनमें से दोस्तों आई डोंट थिंक कि, हाँ स्क्रैपिंग के लिए आप ये वाला ले सकते हैं कि आप जो को पैलेट क्लीन करना है तो इस तरीके से आप इससे पैलेट क्लीन कर सकते हैं स्क्रैप करके। और इनमें से दोस्तों आपके लिए मतलब ये जो एक 5 का सेट आता है, ये 5 पैलेट नाइफ का 5 का सेट आता है एक, और ये दोस्तों आप ले सकते हैं एक सेट, क्योंकि ये सभी ऑलमोस्ट आपके यूज़ हो जाएंगे कि आप अगर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं और पैलेट नाइफ से आपको काम करना अच्छा लगता है तो ये दोस्तों 5 का सेट आप एक ले सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इनको यूज़ किस तरीके से करना है। तो चलिए, तो भी दोस्तों हम लोग करते हैं मिक्सिंग। यहाँ पर मैंने ब्लैक और वाइट और ये टर्कोइज है मेरे पास कलर। यहाँ पर पहले थोड़ा ब्लैक लेते हैं, थोड़ा लेते हैं टर्कोइज, और दोनों को करते हैं मिक्स। थोड़ा और ऐड कर देता हूँ ब्लैक। तो ये दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं पेंट मिक्सिंग के लिए। तो अभी दोस्तों मैं जल्दी जल्दी थोड़े कलर्स यहाँ पर मिक्स कर लेता हूँ, ताकि जिससे हम लोग और भी पैलेट नाइफ्स के यूज़ दिखा सकें। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक पूरी वैल्यू रेंज यहाँ पर मिक्स करके कलर बना लिया, और अभी हम दोस्तों थोड़े बहुत यूज़ करके देखते हैं पैलेट नाइफ। मैं कैनवस लेके आता हूँ। तो अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास पैलेट नाइफ है, तो मैं सबसे पहले थोड़ा वाइट ले रहा हूँ। दोस्तों इसको यूज़ करते हुए आपको पहले एक बार पेंट को फैला लेना है, ताकि वो इसकी सरफेस पर लगे। आपको सिर्फ इस तरीके से पेंट को नहीं करना है, फैला के अभी मैं इसको यहाँ पे एक छोटी सी दोस्तों मैं सिर्फ पैलेट नाइफ की यहाँ पर आपको एक पेंटिंग मैं करके दिखा देता हूँ, छोटा सा मतलब यूज़ इसका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इससे आप कितने अच्छी तरीके से मतलब स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाता है इससे पेंट। मैं पूरा एरिया कवरअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया, और इससे दोस्तों थोड़े से मैं इसमें डार्क कलर के यू नो सिर्फ ये पैचेस से क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़े और कर देते हैं।
और ऊपर में साइड में थोड़ा वाइट से कर देते हैं ताकि वो लगे कि थोड़ा वही स्काई वगाई वाला सीन है। तो ये दोस्तों हो गया, अब मैं क्लीन कर लेता हूँ इसको और फिर वापस थोड़ा नीचे आते हैं। तो अभी मैं लेता हूँ थोड़ा डार्क वाला टोन, इसको भी सेम फैला लेता हूँ थोड़ा। दोस्तों इसमें आपको दो तीन एजेस मिलते हैं, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अभी इससे आप ये वाली चीज़ कर सकते हैं और इससे ये वाली चीज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी बेनिफिशियल है इसका, और इससे आप इवनली भी स्प्रेड कर सकते हैं पेंट, और आप इससे यू नो लाइन्स भी डाल सकते हैं बिल्कुल एकदम बारीक लाइन, और जिस तरीके से भी आपको चलना हो वो भी सभी चीज़ें दोस्तों आप इसके साथ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको मिक्सअप कर देता हूँ, ये छोटे छोटे माउंटेन्स दिखाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों थोड़ा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे अब मैं इसकी इस वाली साइड से थोड़ा सा ये लाइट कलर लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल मेरी लाइट जो है वो इस साइड से फॉल कर रही है, तो बस मैं यहाँ पे ये हल्का सा लाइट कलर, ये थोड़ा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये मैंने इस पे लगा दिया। अभी थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऐसे बना देते हैं, और इसके बाद इसको दोबारा से क्लीन करना है। फिर अब मैं थोड़ा और डार्क कलर लेता हूँ, अभी इसको भी मैं थोड़ा बड़े माउंटेन्स बना देता हूँ इससे। ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो गई, अब थोड़ा और मैं डार्क यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको मैं नीचे पूरे में कवर कप कर देता हूँ। उसके बाद हम उसमें फर्दर कर सकते हैं कुछ अगर हमें करना है तो मैं इसको एक बार पहले पूरे उसमें कवर कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब इसको मैं अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें कुछ क्रिएट करना है तो हालांकि ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो नहीं है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ मुझे यहाँ पे छोटा यू नो होराइजन लाइन बनानी है या फिर छोटा कुछ दिखाना है तो मैं यहाँ से इसको स्क्रेप कर सकता हूँ ड्रॉ करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आप पैलेट नाइफ के साथ कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, अभी इसके यहाँ से बस इस तरीके से कर लेते हैं इसको, और फिर यहाँ पे भी अभी माउंटेन्स की थोड़ी लाइन्स वाइन्स से डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा सा, अभी इसमें मैं थोड़ा सा वाइट ऐड करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद फिर थोड़े में जिगजैग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो पानी की रिपल्स नज़र आए कि वो पानी है वहाँ पे, यू नो ये भी चीज़ हो गई। अब थोड़ा बहुत दोस्तों माउंटेन्स की रिफ्लेक्शन जो हम दिखाना चाह रहे हैं तो इसको मैं अभी हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरीके से कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं बिल्कुल एक उसमें ताकि वो लगे कि यार वो पानी के अंदर है, तो अभी दोस्तों ये चीज़ें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक माउंटेन को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा और इसमें चेंज कर सकते हैं कि इसको लाइन को थोड़ा बैक से ओके, आप ठीक लग रहा है।
तो इसी तरीके से दोस्तों आप पैलेट नाइफ के साथ काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा टेप रिमूव कर देता हूँ और देखते हैं कि हमने क्या किया है। इसको साइड में रखते हैं। वो थोड़ा सा पेंट नीचे निकल गया क्योंकि मैंने टेप जो वो इतना ज़्यादा टाइट नहीं लगाया था ताकि वो ज़्यादा ज़ोर से ना चिपक जाए। तो ये दोस्तों हमारा रिज़ल्ट है। तो ये कम्प्लीटली पैलेट नाइफ से बनी है और इसमें दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये मेरे पास 5-10 मिनट का टाइम था तो मैंने उसी में इसको करने का ट्राई किया। और ये कि दोस्तों पैलेट नाइफ आप इस तरह के जो इस शेप में आता है इसको आप जब आप पेंटिंग आपने बना ली तो उसके बाद आप दोस्तों पेंट को स्क्रैप ऑफ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने पैलेट को क्लीन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ईजिली इससे दोस्तों पैलेट आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये तो होगी दोस्तों पैलेट नाइफ्स की बात। अभी बात करते हैं कि आपको कौन सा पैलेट नाइफ लेना चाहिए और कौन सा आप दोस्तों आपको। तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो जो एक बेसिक एक पैलेट नाइफ का सेट आता है 5 उसके अंदर पैलेट नाइफ्स आते हैं। ये दोस्तों इसके अंदर पैलेट नाइफ्स मिलते हैं आपको सेट के अंदर और ये आपको अराउंड 250 से 300 रुपये का आता है गैस। तो ये दोस्तों आप ले सकते हैं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों पेंटिंग से रिलेटेड वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी दोस्तों आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।